मोदी सरकार आने के बाद जो 2015 में उन्होंने बड़ा कैंपेन शुरू किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन करके ना, वो एक्सेसिबल सुगम्य भारत का नाम हिंदी में दिया था, उस बड़ा कैंपेन मीडिया कैंपेन तक ही सीमित रह गया। जे दिव्यांग छे एना माटे अलग प्रकार नु शौचालय जोईए, कोई वार विचार कर्यो छे कि नहीं? एवू तो नहोतो के खबर नहोती। रेलवे पहला पण दौड़ती थी, पण रेलवे में एवो केम विचार न कर्यो आपणे कि कोई दिव्यांग जन होय, कोई ने ट्राइसिकल लेने जवू होय तो एना माटे डब्बा में कई व्यवस्था छे। रेल ट्रांसपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 2016 में जो है तमाम स्टेशन मेजर स्टेशन A1 स्टेशन A स्टेशन एंड B स्टेशन दैट विल बी मेड फुली एक्सेसिबल बाई मार्च 2016। अब मार्च 2016 निकल गया, मार्च 2017 निकल गया, मार्च 2018 आ गया, अभी भी एक भी स्टेशन ऐसा नहीं है जो वो कह सकते हैं कि फुली एक्सेसिबल है। एक्सेस का महीना हर डिसेबल के लिए अलग अलग होता है, इट इज़ नॉट इक्वल फॉर एवरीबडी। जैसे एक व्हीलचेयर यूज़र के लिए एक्सेसिबिलिटी का इशू अलग होता है, ही नीड्स अ व्हीलचेयर, यानी कि रैंप्स चाहिए उसको, रैंप्स भी जो बन रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड के अनुसार बनना चाहिए। रैंप्स का मतलब कोई नहीं, बहुत सारे जगह देखा नहीं बहुत स्टीप बन जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में मैं पहले चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, चार लोगों ने पकड़ के मेरे को चढ़ाया जो बहुत इनकन्वीनियंस था एज अ वुमेन। इंटर प्लेटफॉर्म ट्रांसफर के लिए भी जो है लिफ्ट की सुविधा की जरूरत है। अब सरकार क्या करे, बहुत सारे जगह जो है एस्केलेटर्स ला रही है, एस्केलेटर्स आर नॉट डिसेबल फ्रेंडली, देयर ओनली सर्टेन टाइप ऑफ डिसेबल पर्सन्स कैन यूज एस्केलेटर, बाकी लोगों के लिए चाहे एलिवेटर्स चाहिए। ब्लाइंड के लिए एक्सेस का इश्यू अलग, उसको तो ब्रेल साइनेज की जरूरत पड़ती है, अनाउंसमेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टेशन अगले वाला स्टेशन कौन सा उसको पता कैसे चलेगा, दूसरा चढ़ने के लिए भी उसका सीट कौन सा उसको कैसे पता चलेगा। असिस्टेड ट्रैवलिंग तो हो सकता है, बट विदाउट असिस्टेंट इंडिपेंडेंट ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? इकला डेफ को जहाँ तक सवाल है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, अनलेस ही कम्युनिकेट्स इन साइन लैंग्वेज, तो विजुअल साइनेजेस की जरूरत पड़ती है। वी डोंट हैव द इंटरप्रेटर्स व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट विद एनी हियरिंग पर्सन। Also, concessions is not given to all forms of disabled people. That is one of the major issue. So there are only few kinds of categories. Now we have 29 categories under the new law. So few kind of categories actually get concession, but not all of us are getting it. Like we have seen, other disabilities have 75% concession and the deaf people have 50% concession. The government should not do like these things that they manipulate or they differentiate the disability. Deaf people are not selected if they want to get a job in the railway to monitor the railways, so they do not get the job. So we want the equality, like we have the same clothes, we are the same people, so we want the equality for everything. Job ana problem, railway ana journey problem, aise sab kuch problem. From the new law we have a universal identity card where the identity one identity disability card should be used for all purposes, but the railway ministry is insisting on a different ID. They want a different ID disabled card for us, which is very difficult for people to manage. हमारी को जो प्रॉब्लम आती है आधार बनने में, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि बच्चों का भी बाल आधार बनेगा, लेकिन बाल आधार में जो छोटे बच्चे हैं उनका आई कांटेक्ट हमारे बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक आंखों से या बोल नहीं सकते, एक तो उनका थंब इम्प्रेशन नहीं आ पाता है उन बच्चों का, क्योंकि वो हाथों से काम नहीं करते हैं, हाथ उनके स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनका थंब इम्प्रेशन नहीं आ पाता है। दूसरा, आँखों से जो रिलेटेड स्कैन करते हैं हम आँखों को स्थिर रखकर, वो स्कैनिंग नहीं हो पाती है बच्चों के साथ हमारे। अब विरोनिका यहाँ पे है, अगर उसका थंबप्रिंट नहीं होगा, उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, तो उसको वो सारी सुविधाएं या वो सारी चीज़ें जो कि हमें आधार कार्ड के बेसिस पे मिलती है वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को भी प्यार करना सीखिए, ताकि आप इनसे प्यार करें तो आप समाज से, लोगों से और हर एक इंसान से प्यार कर पाएंगे।